शैलेश जी जी, हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हम कवि होते जा रहे हैं। आप जिस हाल में है उसमें हर आदमी कवि हो जाता है। कहे कि रोज शाम को हम गटर में गिरते हैं। अच्छा। और गटर के अंदर गिरना मतलब समझ जाओ कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो अब रतन नूरा को भगाता हूँ जी। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। ये कार्यक्रम अपने आप में इतना हिट है, जिसको तारीफ नहीं करना वो भी तारीफ करना पड़ता है कि नाम ही ऐसा है जी। वाह वाह, क्या बात। नाम में ही तारीफ। तो बहुत सारे नए नए कवि यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा नया कवि हूँ। जो नए कवि होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी जिंदगी को तार दे और मुझे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे कवि बन के उतार दे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो भगवान कहते बेटा तूने गलत कॉल किया है, नए कवियों के लिए बहुत पहले तारक मैं था, अब है तारक मेहता। कहने का मतलब ये है कि हमारे शैलेश भाई इतने महंगे कवि बन गए कि एक पेमेंट में तो ये आ नहीं सकते। जिसका एक पेमेंट हो वो बोलेंगे भाई अब तो मुश्किल है, या तो शैलेश आ सकते हैं या तो लोढ़ा। तो कवियों की कल्पना की बात है। मैंने अटल जी से कहा कि आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, कौन सा चैनल देखते हैं, बोले मैं सब टीवी बहुत देखता हूँ। उनका अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोग्राम आप देखते हैं, बोले मैं कॉमेडी का प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने कौन सा, बोले फिर ये कौन सा प्रोग्राम है। तो बाद में पता चला FIR देखते हैं। ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे कभी कभी मौका मिलता है कवियों के साथ में काम करने का, और कवि बहुत टैलेंटेड होते हैं। कोई श्रृंगार रस वाला होता है जी, कोई हास्य रस वाला होता है, कोई वीर रस वाला होता है, 7-8 रस है ना जी जी। लेकिन कार्यक्रम के बाद 9 रस, सॉरी नहीं 10 है आजकल जी। वात्सल्य रस जुड़ गया, वात्सल्य रस। आप रसों पे बहस मत करो, एक नीरस भी है। तो 11 हो गए शैलेश जी, नीरस नहीं सरस। और एक और भी तो पब्लिक की तरफ से तरस तरस। तो नेहा जी आज बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। इतनी दुबली पतली छरछरी, शबाब में हड्डी लग रही हैं आप। शबाब में हड्डी, इतनी इतनी सुंदर लग रही हैं आप, ये तारीफ है आपकी। अब हमने नया साल मनाया, 2012 गया, 13-13-13 शुरू हो गया जी। अब इस नए साल में एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी मैं ना कहती थी कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन है। कैसे, दरवाजे पे देखो तुम्हें विष देने आया है। विष देने आया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पति ने कहा, डार्लिंग वो विष देने नहीं आया, नया साल है मुझे विष करने आया है। जिस दिन वो विष देने आएगा वो मुझे नहीं तुझे ढूंढेगा। बहुत बढ़िया। तो सितंबर के महीने में मेरे मोहल्ले के एक आदमी को लोग नया साल की बधाई दे रहे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा सितंबर के महीने में हैप्पी न्यू ईयर, बोले बकवास मत कर, मैं कान का कच्चा था, कल ही नया कान लगा, इसी की शुभकामना दे रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। नेहा जी जैसी मॉडर्न लड़कियां अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाती हैं? हाँ जी, मोबाइल में टाइप करती, आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाउ स्वीट। और सेंड टू ऑल कर देती है। सेंड टू ऑल। मैं एक कविता सुन रहा था जी, सुन रहा था क्या, देख रहा था, बहुत बड़े कवि पढ़ रहे थे। मेले में खोई गुजरिया, अच्छा, जिसे मिले मुझसे मिलाए, तन है गोरा मन है भोला, कोई ना इसे बहकाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। अच्छा, अच्छा। शाणे, तन है गोरा मटमैली साड़ी, मेले में खोई गुजरिया, जिससे मिले तुमसे क्यों मिलाएगा भाई। वो खुद नहीं कहीं कहीं कवि सम्मेलन लेके जाएगा। कवि तो कहीं पर भी भिड़ जाते हैं। एक कवि का गैरेज वाले से झगड़ा हो गया, गैरेज वाले से। अच्छा, बोले मैं कवि हूँ, मेरे पास साहित्य कार है। तो उसने कहा निकल ले यहाँ से, मेरे पास कार का साहित्य है। तो एक दो चार शेर अर्ज करना चाहूंगा जी, इरशाद। नेहा जी आप ही के ऊपर है, प्लीज गौर कीजिएगा कि बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और प्यार में खर्चा देखिए कि मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK,
वन में तो बात बनी नहीं। तो मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कमबख्त खा गई 2 BHK। और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है। चले जी, गौर कीजिएगा। अरे बहुत, यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। और अब अंतिम शेर। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझे गरीब को कहती है युगो युगो। दिया 350 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। विधायक जी देख रहे हैं, हम कहीं यही पहन के आए हैं। तो सर, हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है, आपको मैं सही बता रहा हूँ। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस्य कवि ने हमसे कहा, भैया यही भाला अगर हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया, अगर वो निपट गया हो तो इसी तरह हंगामे के साथ मुझे सुनना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या सुन रहे हैं आप, अद्भुत कर दिया है। सैल्यूट करता हूं आपको, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। हम लोगों की हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। जब अभी मैं कानपुर 1 महीने पहले जब गया तो एक लड़का हमको कई दिन से दिखा नहीं, फिर हमको दिखा, हमने कहा गुरु कहाँ थे, हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा था उसके ऊपर हिंदी सवार, हमने कहा गुरु कहाँ थे, तो हमसे कहने लगा पवित्र श्रावण मास में शकुनी व्रतिवश कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था, कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, 15 दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, भैया ये जुआ खेल रहे थे, जेल में बंद थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे है। लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कह रहे हैं ये स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग प्रयागराज इलाहाबाद कानपुर कितने नकारा है। तो सर हमें बहुत खराब लगा, हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इलाहाबाद और कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ।